सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन द बायोज़ोम्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेमिनार एयर फ्लो LAF के बारे में। जैसे कि आप अगर बैचलर या मास्टर्स के स्टूडेंट हो तो आपने आपके रिसर्च लैब में लेमिनार एयर फ्लो को देखा होगा या उसमें काम किया होगा। तो बात करते हैं कि क्या होता है लेमिनार एयर फ्लो और पूरी डिटेल्ड स्ट्रक्चर बात करते हैं और पूरी डिटेल्ड स्टडी बात करेंगे लेमिनार एयर फ्लो के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है लेमिनार एयर फ्लो। ठीक है, ये है लेमिनार एयर फ्लो और इसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो क्या होता है लेमिनार एयर फ्लो, व्हाट इज़ लेमिनार एयर फ्लो? तो लेमिनार एयर फ्लो एक कैबिनेट या फिर एक कैबिन होता है जो कि एक बेंच टाइप दिखेगा। देखो, बेंच टाइप है जो कि इनक्लोज होता है पेन से, मिरर पेन या कह सकते हैं ग्लास पेन से। ठीक है, जनरली ये क्या करता है, किस काम में आता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन से। एक स्टराइल फ्री, मतलब स्टराइल कंडीशन बनाता है इनसाइड द ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर हमको काम करना पड़ता है। तो यहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है पूरा स्टराइल कंडीशन कर देता है कि किसी भी तरीके से कंटामिनेशन ना हो। तो जनरली ये प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन से। इसके अंदर एक हेपा प्यूरीफायर लगा रहता है जो कि एयर ब्लो करता है। एयर ब्लो करने से क्या होता है, हाई एफिशिएंसी एयर ब्लो करता है, जिससे क्या होता है, जो जितने भी एयर बोर्न हैं या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे बायोलॉजिकल सैंपल या हम जिस पर काम कर रहे हैं उससे दूर हो जाते हैं, मतलब कि बहुत दूर चले जाते हैं एयर के प्रेशर से। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोटेक्ट करता है। बट एक दिक्कत ये है कि ये ना यूजर्स के तरफ कभी कभी एयर ब्लो करता है, जिससे क्या होता है कि जो यूज़र है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहता है, बट हमारा सैंपल जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ये स्टेनलेस स्टील का बना रहता है, विदाउट गैप्स, विदाउट जॉइंट्स, कोई सा भी जॉइंट्स और विदाउट गैप, मतलब कोई सा भी गैप नहीं होता। अगर गैप होगा तो इजीली हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर, क्योंकि बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे साइज होते हैं, हम नेकेड आई से उनको इजीली देख भी नहीं सकते, तो उससे प्रिवेंट करना है हमारे सैंपल को, तो वो अंदर जा सकते हैं अगर गैप या जॉइंट हो गए। तो कोई सा भी गैप और कोई सा भी जॉइंट्स नहीं हो सकता। कितने टाइप के, कितने अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है लेमिनार एयर फ्लो का। देखिए, ये पूरी पीपीटी इस हिसाब से मॉडिफाई, इस हिसाब से बनाई गई है कि आप इसको कभी भी वीडियो को पोस्ट करके आप पूरा आपका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बट इसके जो जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको उसको समझा सकता हूँ। इसमें ना यूवी लगी रहती है, एक लैंप लगा होता है, यूवी लैंप। उसको क्या करना पड़ता है हमें कि जैसे ही हम वर्किंग, मतलब वर्क करने आ रहे हैं लेमिनार एयर फ्लो पे, उसके पहले हमको 15 मिनट तक इसको यूवी को चालू करना पड़ता है। क्योंकि यूवी क्या होता है, यूवी एक हाई फ्रिक्वेंसी और लाइट है जो कि क्या करती है, किसी भी सेल को या किसी भी सेल का म्यूटेंट कर सकती है या उसको किल कर सकती है। ठीक है, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर हैं वो यूवी की मदद से, मतलब यूवी जो लैम्प चलेगा उससे यूवी लाइट अंदर जाएगी और यूवी अंदर जाएगी तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल करके एक स्टराइल कंडीशंस कर सकती है। बट हाँ, स्विच ऑफ करना ना भूलना, मतलब ऐसा ना हो कि आप यूवी के अंडर ही, मतलब यूवी चल ही रही है और आप अंदर काम कर रहे हो। इससे क्या होगा कि इसके कॉन्टेक्ट में आने से कभी कभी क्या होता है कि कैंसर जैसे, या मतलब क्योंकि प्रोटीन और हमारा डीएनए म्यूटेट हो जाता है यूवी से, ठीक है, यूवी लाइट से, तो कैंसर होने के चांसेस है। तो हमको पहले, मतलब जैसे ही हमको काम करना है उसके 15 मिनट तक चलाना है और उसको फिर लाइट को बंद करना है। ठीक है, उसके बाद एक सर ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाए, नहीं अंधेरा होगा तो उसमें एक और लाइट होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, फ्लोरोसेंस लाइट करके, वो चालू करते हैं जिससे अंधेरा होने की दिक्कत नहीं होती। बट हाँ, आपको यूवी ऑफ करना है, किसी भी तरह के यूवी के एक्सपोजर में नहीं आना है। तो ये है एक फ्लो डायग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम, मतलब हेपा लगा हुआ है, ये कंट्रोल सिस्टम है। आपको ऑन ऑफ, मतलब तीन स्विचेस रहती है, जैसे अगर आपने बायोलॉजी एनवायरमेंट में देखा होगा तो तीन स्विचेस रहती है, एक ब्लोवर की रहती है, एक यूवी की रहती है और एक फ्लोरोसेंट लाइट की रहती है। ठीक है, ये लैम्प लगा हुआ है, यूवी लैम्प लगा हुआ है, ये वर्टिकल फ्लो है। ठीक है, इस तरह से ये आता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से ये एयर बाहर निकालेगा यूज़र्स की तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा सा यूज़र्स अनप्रोटेक्टेड रहता है, बट जो सैंपल है सैंपल पे किसी भी तरीके का एयर बोर्न या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आता। ये पावर सप्लाई सॉकेट है। ठीक है, यहाँ पर आप ना लैंप भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये क्या रहता है, पोर्टेबल रहता है, तो यहाँ पर व्हील्स लगे रहते हैं। ठीक है, ये प्री फिल्टर है, ये प्लेट है, ये देखो, ये यहाँ पर हेपा प्योरीफायर है। ठीक है, ये एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम है जो कि यहाँ से एयर पास करता है जो कि हेपा फिल्टर के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, और ये तो टेबल बोर्ड है, ये सब, ये फिर दूसरी चीज़ें हैं। जो मेन है वो यही है कि यहाँ पर एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम है, हेपा है, लैम्प है, यूवी और फ्लोरोसेंट, और ये पोर्टेबल है। ठीक है, और इस तरह से रहता है, बहुत बड़ा चैम्बर रहता है, आप मतलब दो व्यक्ति आराम से, दो या तीन व्यक्ति आराम से इसमें बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ओवरव्यू देख लेते हैं, डेफिनेशंस का ओवरव्यू। तो जनरली माइक्रोबायोलॉजी लैब में रहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी लैब में ही रहेगा, सब जगह रह सकता है।
ठीक है, बट माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि कंटामिनेशन जोन हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कब खेलते हैं, हम माइक्रोबायोलॉजी के लैब में खेलेंगे। ठीक है, एक चैम्बर टाइप का होता है जो कि एयर फ्लो हेपा, ठीक है, और कंटामिनेशन फ्री जोन स्टराइल कंडीशन बनाता है, इन्वायरमेंट स्टराइल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको बाहर करता है थ्रू द यूवी, थ्रू द हेपा। ठीक है, और ये देखो लैमिनार एयर फ्लो चैम्बर इज ऑल्सो नोन एज लैमिनार फ्लो क्लोसेट और टिश्यू कल्चर हुड। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था डेफिनेशन का और डायग्राम का, जो फ्लो डायग्राम दिखा है। अब बात करते हैं कि कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है आपका LAF चैम्बर। ठीक है, आप चैम्बर बोल सकते हो, इनक्लोज्ड बेंच बोल सकते हो इसे, आप एक कंटेनर बोल सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इसके, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, एयर लेमिनार फ्लो अलग होता है और लेमिनार एयर फ्लो अलग होता है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेमिनार एयर फ्लो को हम लेमिनार फ्लो ऑफ एयर, मतलब सर ऐसा नहीं है कि आपने इधर से कान पकड़ने की वजह से उधर होके कान पकड़ लिया, नहीं, बात वो नहीं है। ये जनरली प्रिंसिपल जो है, मैंने उसको थोड़ा सा सॉल्व किया है कि लेमिनार फ्लो ऑफ एयर पर ये जो प्रिंसिपल है इस पर काम करता है लेमिनार एयर फ्लो। हाँ, लग रहा होगा कि इधर से कान ना पकड़ते हो उधर से कान पकड़ लिया, बट ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, हाई इफिशियंसी पर्टिकुलर एयर फ्लो सिस्टम्स दे टेंड्स टू कैप्चर एंड एलिमिनेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एयर बोर्न प्योर इम्प्योर पार्टिकल्स टू मेंटेन अ क्लीन एंड स्टराइल एनवायरमेंट। अभी पिछले 3-4 स्लाइड से एक ही चीज़ बोलते आ रहा हूँ कि इसमें जो हेपा लगा रहता है और जो यूवी लगी रहती है, ये क्या करते हैं, कंटामिनेशन फ्री जोन मतलब स्टराइल एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे आपका जो सैंपल है, आपका जो बायोलॉजिकल सैंपल जिस पर आप काम कर रहे हो, वो कंटामिनेटेड फ्री रहे। ठीक है, नहीं तो पता नहीं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना था और पता नहीं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन ना आए और आपकी मेहनत ना बेकार हो, इसलिए ये चैम्बर रहता है माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में। पार्ट्स ऑफ अ लैमिनार एयर फ्लो चैम्बर, क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो पहला है कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट या कैबिन, ठीक है, पूरा बेंच टाइप एक बड़ा सा होता है जिसमें सारे फिटेड होते हैं। ठीक है, आपको नीचे व्हील दिखेंगे, ऊपर एयर प्योरीफायर सिस्टम दिखेगा, आपको हेपा दिखेगा, आपको यूवी दिखेगा। ठीक है, ये है कैबिनेट। फिर होता है वर्किंग स्टेशंस, जहाँ पर आपको बैठ के काम करना पड़ता है, स्टेनलेस स्टील का विराइट जॉइंट बना होता है। ठीक है, फिल्टर पैड्स हेपा है और एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम है, ये सब होते हैं, ये फिल्टर पैड्स है। ठीक है, आप आराम से इसको रीड कर लीजिएगा, ये बात वहीं के वहीं घूमेगी और कुछ नहीं होगा, तो बार बार एक ही चीज़ को समझाने से कोई मतलब या अर्थ नहीं होता। फैन और ब्लोअर, ठीक है, हेपा लगा रहता है, हवा को पास करता है वो, जो कि यूजर्स की तरफ जाती है, जहाँ पर यूजर प्रोटेक्टेड नहीं रहता, बट आपका सैंपल प्रोटेक्टेड रहता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर देता है, एक तरह से एयर के थ्रू बाहर फेंक देता है, या फिर कह सकते हैं कि दूर रखता है सैंपल से। ठीक है, हेपा फिल्टर, जैसे कि मैंने बात किया है कि वो जो कि हाई एफिशिएंसी प्योरीफाई एयर, और कह सकते हैं कि हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर है जो कि एयर को ब्लो करता है। अब कुछ अलग पार्ट है लेमिनार एयर फ्लो के, कह सकते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जिस सब टॉपिक्स हैं जिस पर लेमिनार एयर फ्लो काम करता है। तो इंटरसेप्शंस मैकेनिज्म है जिसको हम यूज़ करते हैं हेपा फिल्टर के लिए। तो द इंटरसेप्शंस मैकेनिज्म इज यूज्ड टू बाय द हेपा फिल्टर टू फिल्टर आउट लार्ज इम्प्योर पार्टिकल्स, जितने भी बड़े इम्प्योर पार्टिकल्स हैं उसको हेपा के थ्रू फिल्टर आउट करता है। इम्पैक्शन मैकेनिज्म आल्सो यूज्ड टू रिमूव कंपेरेटिवली लार्ज इम्प्योर पार्टिकल्स फ्रॉम द इनर इन्वायरमेंट ऑफ द चैम्बर, अंदर के जो चैम्बर के अंदर इम्प्योर पार्टिकल्स हैं, जो लार्ज इम्प्योर पार्टिकल्स हैं, इम्पैक्शन मैकेनिज्म के थ्रू वो ये सारे ना ये जो 7 आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए था, तो 6, 7 पता नहीं कहाँ गए, तो ये शायद PPT में थोड़ा सा गलती हुआ है। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 देख रहे हैं, पाँचों ये मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू लेमिनार, जिस पर लेमिनार एयर फ्लो काम करता है, या जिसके थ्रू लेमिनार एयर फ्लो काम करता है। ठीक है, डिफ्यूजन स्मॉल कंटामिनेट्स कैन एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। तो बड़े अगर लार्ज पार्टिकल को आपको रिमूव करना है तो आपको इंटरसेप्शंस और इम्पैक्शंस, ठीक है, और अगर आपको स्मॉल पार्टिकल्स को स्मॉल कंटामिनेशंस को दूर करना है तो डिफ्यूजन्स। ठीक है, यूवी लैम्प, वही चैम्बर के अंदर यूवी लैम्प रहता है जो कि 15 मिनट पहले चला दो, जिससे क्या होता है कि यूवी के थ्रू जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो किल हो जाते हैं, और हमको कंटामिनेशन फ्री जोन मिलता है या स्टराइल एनवायरमेंट मिलती है। फ्लोरोसेंट लैम्प, तो ऐसा है ना, आपको अंधेरे में ना काम करना पड़े, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अंधेरे में काम करना है तो यूवी लैम्प ही जला दिया और फिर काम करना लग गए अंदर, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है,
एक्सपोजर होगा, यूवी के एक्सपोजर से आँखों में दिक्कत हो सकती है, हमारा डीएनए म्यूटेंट हो सकता है, हमको कैंसर हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए फ्लोरोसेंट लैंप लगाया हुआ है जिससे आप अंदर जो लाइट मतलब मिल जाएगा, ठीक है, प्रॉपर लाइट मिल जाएगा आपको, और आप आराम से काम कर सकते हैं इवन नाइट में या डे में कैसे भी, जब भी लगे। वर्किंग ऑफ लेमिनार एयर फ्लो, वही वापस दो चार पांच चीज़ें वही घूम घूम के आएगी कि हेपा लेवल रहता है इसमें, इम्प्योर पार्टिकल्स को बाहर निकालता है, एलिमिनेट करता है, ठीक है, फिल्टर पैड्स लगे रहते हैं इसमें, कंटामिनेशन फ्री जोन बनाता है, हर तरह के कंटामिनेट को रिमूव कर देता है हेपा के थ्रू, ठीक है। यूवी का थोड़ा सा पहला है, मतलब जब भी चैम्बर पर काम कीजिए तो क्या करना रहता है आपको, जो चैम्बर होता है, जो आप कैबिनेट है, कैबिन है, उसको पहले आप ना एसीटोन या अल्कोहल से पूरा आपको ना रब कर करके पूरा साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है, ग्लव्स पहनिएगा और फिर अच्छे से साफ़ कीजिए। उसके बाद आप वापस जो पेन होता है, ग्लास पेन होता है, उसको बंद कीजिए, पूरे चैम्बर को बंद कीजिए, और आप यूवी शुरू कर दीजिए। यूवी शुरू करने से क्या होगा, यूवी लाइट शुरू करने से आपको जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किल हो जाएंगे, फिर आपको यूवी बंद करना है, थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद ही पेन खोलना है। अगर आप यूवी के एक्सपोजर में आते हैं तो आपको पता है कि यूवी लाइट एक कार्सिनोजेनिक है, ठीक है, जो कि कैंसर कॉज कर सकती है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा, बट आपका डीएनए अंदर म्यूटेंट हो जाएगा, और एक बार डीएनए म्यूटेंट हो जाता है तो आप मोलिकुलर बायोलॉजी आपने पढ़ाई होगा, कितनी दिक्कत आती है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से, और उसके बाद आप फ्लोरोसेंस लैंप और ब्लोअर ऑन कर दीजिए जिस, और उसके बाद आप आराम से कंटेमिनेटेड फ्री जोन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आप काम कर सकते हैं आपको बायोलॉजिकल सैंपल के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह का सा फ्लो डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहा है फिल्टर पॉइंट, ब्लोअर फैन, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर आपको काम करना है, और ये हेपा फिल्टर रहता है, ठीक है, जो कि एयर को ब्लो करवाता है। तो ये वर्किंग ऑफ लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो इतना बड़ा नहीं है, बात वहीं के वहीं घूमेगी, किस किस पे, हेपा पे घूमेगी, यूवी पे घूमेगी, फ्लोरोसेंट पे घूमेगी, और स्टराइल एनवायरमेंट पे घूमेगी, ठीक है। तो इन चार पॉइंट को ही आपको जोड़ जोड़ के बनाना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर कितने टाइप के होते हैं, जनरली तीन तरह के होते हैं, वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर, हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर, वॉल टू फ्लोर एयर फ्लो सिस्टम्स। यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहे होंगे आपको वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो और हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो के बारे में दिख रहे होंगे, डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जनरली माइक्रोबायोलॉजी लैब में आपको वर्टिकल एयर फ्लो देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं है, बट इसमें क्या होगा कि एयर अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और फिर बाहर जा रही है तो ये वर्टिकल होगा, और अगर हेपा पीछे लगा हुआ है, और जनरली इसमें हेपा ऊपर लगा होगा जब भी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, और इसमें अगर हेपा साइड में लगा रहता है तो यहाँ से इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो ये वाले में ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पे ना यूजर्स के तरफ एकदम फास्ट एयर आएगी, ठीक है, तो इसमें अपना प्रोटेक्शन दिक्कत हो जाएगा, मतलब जो काम कर रहा है यूजर्स जो काम कर रहा है उसमें दिक्कत हो जाता है, बट इसमें भी दिक्कत होता है बट उतना नहीं, ठीक है। तो जनरली वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो ज़्यादा रहते हैं। वॉल टू फ्लोर एयर फ्लो सिस्टम का ना तो मेरे पास डायग्राम था ना कुछ इन्फॉर्मेशन था। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लेमिनार एयर फ्लो, ठीक है। तो इको फ्रेंडली है जनरली लेमिनार एयर फ्लो, ऐसे कोई सी टॉक्सिक गैस एनवायरमेंट में नहीं छोड़ता, ठीक है, कि पता चल रहा है कि जो लेमिनार एयर फ्लो है पीछे से कुछ खींच रहा है, जैसे एक कुछ फैन वैन लगा हुआ जो पीछे से खींच रहा है और टॉक्सिक गैस छोड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, टोटली इको फ्रेंडली है, ठीक है। और इसको इंस्टॉलेशन ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता, आप इंस्टॉल इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस और रिपेयर नहीं, जैसे कि घर की लाइट, घर की ट्यूबलाइट्स कैसी बंद हो जाती है, वैसे यूवी लाइट लैम्प ऐसा बंद नहीं होता, और होता भी है तो बहुत काफ़ी सालों में लगता है उसको, ठीक है। और जनरली मेंटेन जो जितना भी मेंटेनेंस है वो लो कॉस्ट है उसका, ठीक है। इजिली पोर्टेबल, नीचे व्हील्स लगे होते तो आपको जहाँ मन हो वहाँ ले जाओ, ठीक है। और हाँ, ट्रांसपोर्टेड टू न्यू लोकेशंस, जहाँ आपका मन हो वहाँ पर ले जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माइक्रोबायोलॉजी लैब से लगे डीएनए आरडीएनए लैब में लगे, नहीं, माइक्रोबायोलॉजी का लैब है वहीं रहने दो, नहीं तो पता चला कि घर पे लगे उठा के, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कैबिनेट रिड्यूस द चांस ऑफ पोटेंशियल टर्बुलेंस, और इसमें एक बहुत सारे ऐसे भी लेमिनार एयर फ्लो होते हैं जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम्स लगा रहते हैं, क्योंकि बहुत बार हम क्या होता है कि हम प्रेशराइज होते हैं कि हमको जल्दी जल्दी काम करना है और हम यूवी में ही बैठ जाते हैं, तो वो ना हो इसलिए सिक्योरिटी, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम लगा रहता है, एक अलार्म लगी रहती है कि अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं तो वो अलार्म बच जाएगा, ठीक है। अब जिस चीज़ के एडवांटेज है उस चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो लेमिनार एयर फ्लो में देखो आपको पूरा मैंने येलो येलो कर रखा है, तो प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स और हैंड ऑन द डिवाइस डिसरप्ट द एयर फ्लो,
First, turbulence and reduce the ability to of a device to properly sterilize the internal environment. देखो क्या है ना, जब हम पेन, मेरा ग्लास पेन को खोल देते हैं और हम वर्क करने लगते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि कंटामिनेशन आ ही जाता है, मेजर नहीं माइनर, क्योंकि बाहर की भी एयर अंदर जाती है, हालांकि हेपा लगा रहता है, बट फिर भी क्योंकि हम हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोटोरियस होता है, ठीक है. सम टाइप्स ऑफ लेमिनार एयर फ्लो डिवाइस टेंड्स टू ब्लो फ्यूम टुवर्ड्स द यूजर्स फेस. मैं पहले ही स्लाइड से समझाते आ रहा हूँ कि बहुत बार कुछ जैसे हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो है, वो तो हेपा बैक साइड पर लगा रहता है, तो बैक साइड से डायरेक्ट वो यूजर्स की तरफ हवा को ब्लो करता है, एयर को ब्लो करता है, ठीक है. डिवाइस रिक्वायर प्रॉपर हैंडलिंग एंड केयर फॉर द बेटर ऑप्शन, ठीक है. हैंडलिंग एंड केयर प्रॉपर, हालांकि स्मार्ट सिस्टम्स लगाए रहते हैं बट उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो बहुत सारे लैब ऐसे रहते हैं जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर पाते. अब उस टाइम में मान लीजिए कि आपको पता नहीं है आप नया नया है और आपको एक थ्योरेटिकल पता है उसका, ठीक है, बट आपने कभी लैमिनार एयर फ्लो को पे काम नहीं किया, ठीक है, और आपके टीचर्स ने आपको थ्योरी बता दी और आपने क्या करा कि यूवी लैम्प फ्लोरोसेंस की जगह यूवी लैम्प चालू कर दिया और बैठ गए, तो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा बट दिक्कतें तो है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कतें हो जाएगी. तो इस तरह से डिसएडवांटेज जैसे तो प्रॉपर हैंडलिंग करना रहता है और हर चीज़ का केयरफुली काम करना रहता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेमिनार एयर फ्लो. आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी और काफ़ी मज़ेदार अपन ने पढ़ा. तो ये है पूरा लेमिनार एयर फ्लो के बारे में. अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो, कुछ स्लाइड में दिक्कत लगी हो या स्लाइड में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, सपोर्ट करें बायोज़ोम्स को. धन्यवाद. जय हिंद.